को ख़राब कर सकती है, ट्रांसमिशन की हेल्थ के लिए बेकार रहेगा वो। पहले क्या करना है, गाड़ी को फुली स्टॉप करना है, फिर शिफ्ट करना है मैं फ्रंट गियर। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया होता है तो ये मतलब ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ। तो गाइस वेलकम टू ऑटो एडिक्शन, मैं हूँ प्रदीप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर हम मैनुअल गाड़ी चलाते हैं और हम शिफ्ट कर रहे हैं AMT पे या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी पे, तो हमें क्या क्या किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम 4-5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठने से पहले ही हमें सिर्फ एक पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमें याद रखना है कि हमें अपना लेफ्ट जो पैर है वो यूज़ नहीं करना है। हमें लेफ्ट पैर को डेड पेडल पे रखना है अगर डेड पेडल दिया गया है, वरना साइड में रखेंगे हम तो डेड पेडल पे रखना है। हमारे साथ क्या होता है कि हम मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो हमारा लेफ्ट पैर होता है क्लच पे होता है हमेशा, तो हम क्लच को प्रेस करते हैं बार बार। और ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, जो ब्रेक पेडल है वो थोड़ा चौड़ा दिया गया होता है, मतलब कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिया गया होता है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे क्लच होती है। तो हमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न रहता है कि तो हम प्रेस कर देते हैं गलती से, जिससे हमें एक्सीडेंट होने का मतलब खतरा बन जाता है। पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही तो हमें मार सकती है पीछे से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने लेफ्ट पैर को हम यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम ऑटोमेटिक गाड़ी चलाएंगे। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है व्हाइल ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार कि जब भी हम गाड़ी को पार्क कर रहे हैं या फिर रिवर्स कर रहे हैं तो हमें फुली स्टॉप होने के बाद ही गियर शिफ्ट करने हैं। जैसे हमने रिवर्स करी गाड़ी पहले, उसके बाद हम अगर फ्रंट गियर में लेके जा रहे हैं मतलब उसको ड्राइव मोड या फिर स्पोर्ट्स मोड जिसमें भी डाल रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना है, गाड़ी को फुली स्टॉप करना है, फिर शिफ्ट करना है हमें फ्रंट गियर में, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ये नहीं कि हमने चलती चलती गाड़ी पीछे जाने लग रही और साथ साथ ही हमने ड्राइव मोड लगा दिया, उसमें फ्रंट गियर डाल दिया, तो उससे हमारे इंजन को जो ट्रांसमिशन का है उस पर इफेक्ट जाएगा और उसको ख़राब कर सकती है, ट्रांसमिशन की हेल्थ के लिए बेकार रहेगा वो। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी हम अपनी गाड़ी को स्लोप पे चला रहे हैं, ढलान पे चला रहे हैं, तो गाड़ी को हम चलते चलते कभी भी न्यूट्रल गियर में नहीं डालेंगे, मतलब स्लोप पे हमारी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल और ब्रेकिंग कम हो जाती है। तो इसलिए जब भी स्लोप पे चलाएं गाड़ी को हमेशा गियर्स में रखें, मतलब ड्राइव मोड पे रखें। फोर्थ पॉइंट उनके लिए है जो रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर ड्रैग रेसिस वगैरह करते हैं, तो वो एक फ़न के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है लेकिन वो चीज़ गाड़ी को हार्म पहुंचा सकती है। तो अगर हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो हमें याद रखना है सिर्फ कि कभी भी हमें अपनी गाड़ी को लॉन्च नहीं करना है, मतलब कि न्यूट्रल में डाल के हम रेव करते हैं, एक्सलेशन देते हैं ज़्यादा और फिर अचानक से हम ड्राइव मोड पर डालते हैं, तो उससे हमारे ट्रांसमिशन में दिक्कत आ सकती है, ट्रांसमिशन बॉक्स में दिक्कत आ सकती है, तो वो हमें नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है उसे। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे तो उसको हमेशा पी मोड पे ही पार्क करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम पार्क करने जा रहे हैं गाड़ी को तो फुली स्टॉप होने के बाद ही हमें पी पे डालना है, शिफ्ट करना है पी पे ही, उससे पहले हमें नहीं करना है क्योंकि पी का जो हमें मोड दिया गया है वो गाड़ी को रोल आउट करने के प्रिवेंट करने के लिए दिया गया है, ना कि गाड़ी को रोकने के लिए। तो मतलब ब्रेकिंग के लिए नहीं दिया गया वो, अगर हमें गाड़ी फुली स्टॉप हो चुकी है तो उसको पी पे करेंगे क्योंकि वो उसको रोल आउट करने से बचाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी हम गाड़ी को पार्क करेंगे चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, तो हैंड ब्रेक को एंगेज करना ना भूलें कभी भी। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल ड्राइविंग इन ऑटोमेटिक कार। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी डू लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।